हेलो दोस्तों, क्या हाल है सबका। मेरा नाम है धर्मेंद्र सिंह। आज की वीडियो में हम बेहतरीन चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। उसका नाम है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। 11th क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है ये। इस वीडियो में हम बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन के साथ हम इस चैप्टर को डिटेल में समझने वाले हैं। ये पहले चैप्टर भी हम इंट्रोडक्शन समझेंगे और फिर हम इसके क्वेश्चन करेंगे, टीस करवा लेंगे। पहले समझ लेते हैं ये होता क्या है। नाम से आपको समझ में आ रहा है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। होता क्या है कि आपकी एक कैश बुक बनाते हैं, जैसे कि आप बनाते हो कैश बुक। आपने समझा था कैश बुक एक बनाई जाती थी जिसके अंदर क्या होता था कि आप रिकॉर्ड करते थे ना, दो कॉलम होते थे, कैश का कॉलम, बैंक का कॉलम, जो टू कॉलम वाली होती थी। एक डेबिट साइड होती थी, एक क्रेडिट साइड होती थी, है ना। इसमें हम सारी कैश की बैंक की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते थे। ऐसे ही एक पासबुक भी होती है, एक पासबुक भी होती है बैंक वालों की, जिसके अंदर बैंक वाला अपनी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है। जैसे कि आप अपनी ट्रांजेक्शन कैश बुक पर रिकॉर्ड करते हो, बैंक वाला पासबुक में करता है। तो पासबुक में कैसे करता है, वहाँ पर ऐसे लिखता है वो, जैसे कि भाई आपने पैसा कितना विड्रॉ किया, वो लिख देगा यहाँ पर विड्रॉ में। कितना डिपॉजिट करा वो यहाँ लिख देगा। अब होता क्या है कि जो ट्रांजेक्शन यहाँ होगी वही ट्रांजेक्शन आपके बैंक के कॉलम में भी होगी। जैसे कि मान लेते हैं कि आपने 1000 रुपये डिपॉजिट कराया, तो आप यहाँ लिखोगे ना डेबिट साइड पे 1000 रुपये, ऐसे ही वो भी वो लिखेगा यहाँ पर 1000 रुपये डिपॉजिट कराया, चलो भाई 1000 रुपये, ठीक है। तो आपने यहाँ लिख दिया, आपने 500 रुपये निकाला, आप राइट साइड पर लिखोगे, ये भी लिखेगा 500 रुपये विड्रॉ। ऐसे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है जो यहाँ आप बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करते हो, वो अपनी पासबुक में रिकॉर्ड होती है। तो इसका मतलब जो यहाँ कॉलम, जो बैंक का बैलेंस यहाँ पर आएगा, वही बैंक का बैलेंस पासबुक में भी आना चाहिए। ऑब्वियस ही बात है ना, कि अगर मैं मान लेते हैं यहाँ पर निकालो 200 रुपये डालो, तो यहाँ पर भी 200 रुपये लिखेगा वो बैंक वाला भी। तो इसका मतलब जो बैंक का कॉलम का हमारा बैलेंस होगा, उनका भी वही आना चाहिए। बट हर बार ज़्यादातर क्या होता है कि बैंक का कॉलम का बैलेंस हमारा और जो पासबुक का बैलेंस है वो मैच ही नहीं होता, वो मैच ही नहीं होता। जैसे कि मान लेते हैं कि आपने यहाँ पर 100 रुपये तो रिकॉर्ड कर दिए डेबिट साइड पर, उसने करे ही नहीं, तो डिफरेंस आ जाएगा आपका। कई बार कुछ गलतियाँ हो जाती है जो या तो आप करते हो या बैंक वाला करता है, उसकी वजह से डिफरेंस आ जाता है कि आपने रिकॉर्ड कर दिया उसने करा ही नहीं, या उसने रिकॉर्ड कर दिया आपने नहीं करा। या कई बार क्या होता है कि कुछ गलतियाँ नहीं होती, कुछ टाइमिंग का डिफरेंस हो जाता है कि आपने रिकॉर्ड पहले कर दिया, उसने अभी नहीं करा लेकिन बाद में करेगा, उस चक्कर में डिफरेंस आ जाता है। या फिर बैंक वाला कुछ चीज़ें होती है वो डायरेक्ट रिकॉर्ड कर देते हैं आपके बैंक के कॉलम में, आप नहीं कर पाते क्योंकि आपको पता ही नहीं होता। आपको पता चलता है महीने के एंड में, जैसे कि आपके अकाउंट से बैंक चार्जेस कट गए, आपको पता ही नहीं, पता चला बाद में जब आपने पासबुक निकाली महीने के एंड में। तो ये कुछ चीज़ें होती है जिसकी वजह से डिफरेंस आता है। और वो जो चीज़ें डिफरेंस क्यों आया बैंक का कॉलम है आपका और जो पासबुक का कॉलम है, पासबुक का है, उनके बीच में डिफरेंस क्यों आया और किस तरीके के डिफरेंस आए हैं, वो दिखाने के लिए बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनानी पड़ती है। क्या बनानी पड़ती है? बैंक रिकॉन्सिलेशन। रिकॉन्सिलेशन का मतलब ये होता है मैच करवाने के लिए, कि अब मैच करा के दिखाएंगे कि देखो ये डिफरेंस इन इन वजहों से आए हैं, कि देखो आपने ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड आपने करी, इसने नहीं करी, आपने ये करा, उसको एक स्टेटमेंट बनाएंगे बैंक रिकॉन्सिलेशन। उसमें दिखाएंगे देखो अगर आप ये डिफरेंस को इसमें ऐड कर दोगे, इसमें माइनस कर दोगे, तो देखो बैंक और पासबुक मैच करके दिखा देंगे। तो दोनों को मैच करवाने के लिए ये स्टेटमेंट बनानी पड़ती है। इस स्टेटमेंट में आप सारे वो लिखते हो कि ये जो डिफरेंस आए वो किन किन वजह से आए और उन वजह को कैसे ठीक करा जाए जिसकी वजह से ये दोनों मैच हो जाए, ठीक है। बात समझ में आ गई यहाँ तक? चलो अब ये स्टेटमेंट बनाते कैसे है, अब उसकी बात करते हैं। ये स्टेटमेंट बनाने के लिए हमें कुछ सिंपल ऐसा करना है, जिसे यहाँ लिखना है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। ज़्यादातर ये महीने के एंड में बनती है, हर महीने के एंड में बनती है ज़्यादातर ये स्टेटमेंट, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट।
एज एट, ठीक है, यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर्स। और इसका कॉलम बड़ा सिंपल होता है, ये प्लस आइटम लिख दो यहाँ पर और माइनस आइटम्स कि भाई क्या प्लस करना है, किस में क्या माइनस करना है। देखो मैच करवाने के लिए एक तो है कि आप पहले वो डिफरेंस को अगर आपने ढूंढना है तो आप दोनों बुक अपने पास रखो, पासबुक और कैश बुक, दोनों बुक पास में रखो और फिर देखो कि डिफरेंस कौन कौन से है। लेकिन क्वेश्चन में आपको ऐसा नहीं देगा, क्वेश्चन में आपको दोनों बुक नहीं देगा हाथ में, क्वेश्चन में आपको डिफरेंस दे देगा पहले से। तो सिंपली आपको बैलेंस बता देगा आपको कि देखो ये कैश बुक का बैलेंस है, आपने कोई कैश बुक बनानी नहीं है, ना ही कैश बुक आपको देगा, आपको सिर्फ बैलेंस दे देगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर बैलेंस लिखना है, बैलेंस एज पर कैश बुक या फिर पासबुक, कोई भी बुक दे देगा आपके हाथ में, वो आपको उसका बैलेंस दे देगा पहले से ही। आपको कोई बुक बना के दिखाएगा नहीं, आपको पहले से ही एक बैलेंस दे देगा, देखो ये बुक का ये बैलेंस है और ये बैलेंस उसके साथ मैच नहीं हो रहा, और मैच करके दिखाओ और डिफरेंस भी बता देगा, देखो ये वजह है। तो आपको बैलेंस लिखना है, या तो प्लस आइटम में लिखोगे बैलेंस तो प्लस ही होता है ज़्यादातर, अगर हाँ बैलेंस नेगेटिव है तो यहाँ लिखो, क्योंकि कई बार क्या होता है बैंक का कॉलम का बैलेंस नेगेटिव भी हो सकता है, जिसे ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। तो बैलेंस यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। फिर क्या करना है, आपको डिफरेंस को वो पहले दे देगा डिफरेंस आपके क्वेश्चन में, फिर आपको उस बैलेंस में वो डिफरेंस बताना है कि वो देखो वो डिफरेंस मैं ऐड करूं या माइनस करूं, जिसकी वजह से जो दूसरी वाली बुक का बैलेंस है वो उसके साथ मैच कर जाए। जैसे कि आपको पता चला कि भाई 1000 रुपये का बैलेंस था लेकिन दूसरी बुक में 1500 का बैलेंस आ रहा है, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि डिफरेंस को ऐड करके या माइनस करके वो कैसे मैं बैलेंस इसका वो वाला बना लूँ। तो लास्ट में आपको बैलेंस आएगा, बैलेंस एज पर कैश बुक या फिर पासबुक, यानी कि अगर आप कैश बुक से स्टार्ट करोगे तो पासबुक का बैलेंस लाना है आपको नीचे, और अगर आप पासबुक से स्टार्ट करोगे तो नीचे कैश बुक का बैलेंस आना चाहिए। वो आपका किस साइड पे आएगा वो डिपेंड करता है, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो यहाँ से तो बैलेंस इस साइड पे आता है, और अगर आप यहाँ से स्टार्ट करो तो बैलेंस इस साइड, बैलेंस हमेशा उल्टी साइड पर आता है। तो कुल मिला के बेसिकली ऐसे बनाई जाती है, इसको बढ़िया तरीके से हम समझेंगे क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। अभी मैंने आपको एक चीज़ बता दी कि बेसिकली करना क्या है, होगा आपको आपको एक बैलेंस देगा और आपको डिफरेंस भी दे देगा, आपको बस क्या करना है वो समझना है कि वो डिफरेंस इसके अंदर ऐड करूं या माइनस करूं, जिसकी वजह से दूसरी बुक का बैलेंस इसके साथ मैच हो जाए। चलिए अब हम क्या करते हैं, इन सब चीज़ों को क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे, कोई थ्योरी नहीं कराने वाला मैं आपको, सब कुछ क्वेश्चन के थ्रू समझने वाले हैं, क्वेश्चन करते हैं आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। चलिए आपके सबसे पहले आपका क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे आपके TS अग्रवाल का। जैसे कि आप पढ़ लो क्वेश्चन में लिखा, प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। चलिए पहले फॉर्म बना लेते हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का। तो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेट, अब आपको कोई दे तो रखा नहीं है कोई ईयर या मंथ वगैरह, सिंपली यहाँ पर ऐसा फॉर्म रहेगा, इसमें कोई डेट भी नहीं आती, सिंपल पर्टिकुलर्स और प्लस आइटम माइनस आइटम, सिंपल ये लिखना होता है इसमें, प्लस आइटम्स माइनस आइटम्स, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको बैलेंस देगा, देखो दे रखा है पहला में डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक का डेबिट बैलेंस का मतलब होता है पॉजिटिव बैलेंस, ध्यान रखना कैश बुक का हम सिर्फ बैंक के कॉलम की बात कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको पीछे बताया, क्योंकि मुझे बैंक के कॉलम को मैच करवाना है पासबुक के साथ, तो कैश बुक का मतलब समझना बैंक का कॉलम। तो यहाँ लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक, और यहाँ पर आपको ब्रैकेट में बताना है कि डेबिट बैलेंस है ना तो डेबिट लिख दो, यानी कि पॉजिटिव बैलेंस है तो प्लस आइटम में लिखूंगा, पॉजिटिव बैलेंस प्लस आइटम में लिखते हैं 30,000। अब आपको जैसे मैंने बताया कि डिफरेंस दे के रखेगा, आपको कोई छांटना नहीं है डिफरेंस कि दोनों बुक से, आपको पहले बता दिया क्या लिखा हुआ है, पहला चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, देखो जो प्लस करना होगा प्लस में लिखूंगा, जो माइनस करना होगा माइनस में लिखूंगा।
पहले समझ लेते हैं कि चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड का मतलब क्या होता है। आपने कई बार क्या होता है कि आप बैंक में चेक जमा करते हो बट एकदम से क्लियर नहीं होता। आपने क्या करा, कैश बुक बना रहे थे आप और एक पासबुक थी, आपने चेक जमा करा उसी टाइम आप बैंक के कॉलम में प्लस कर देते हो। याद करो, जैसे ही आप चेक जमा करते हो तो आप डेबिट साइड में लिख देते हो तुरंत, क्योंकि जैसे ही आप चेक जमा करते हो तो आप सोचते हो कि बैंक का बैलेंस बढ़ गया। तो जैसे आपने चेक जमा करा 2000 रुपये का, आपने तुरंत बैंक के कॉलम में 2000 रुपये प्लस कर दिए होंगे, डेबिट साइड में लिख दिया होगा, क्योंकि आपको थोड़ी पता है कि भैया चेक कब क्लियर होगा। बट क्लियर होने में, यानी कि क्लियर करता है बैंक का, बैंक क्या करता है उस चेक को क्लियर करता है, यानी कि आपके चेक को प्रोसेस करेगा और फिर वो किसी और के अकाउंट में पैसे डालेगा, उसमें टाइम लग जाता है 2-3 दिन का। अब 2-3 दिन का टाइम लग जाता है बट इसका मतलब जिस दिन आपने जमा करा आपने तो उसी दिन रिकॉर्ड कर दिया, बट पासबुक में तो उस दिन रिकॉर्ड हुआ ही नहीं, वहाँ तो जीरो है, वहाँ तो रिकॉर्ड ही नहीं हो रखा उस दिन। इस वजह से डिफरेंस आ गया, यानी कि आप जिस डेट को बैंक रिकॉन्स्टिट्यूट बना रहे हो उस डेट पे पासबुक पे ये 2000 रुपये रिकॉर्ड नहीं हो रखा। ये हो जाएगा अगले 1-2 दिन में बट अभी नहीं हो रखा, और अभी मुझे मैच करा के दिखाना है, मुझे कैश बुक को पासबुक के साथ मैच करा के दिखाना है। यही तो कह रहा है वो बैंक रिकॉन्स्टिट्यूट में, कैश बुक का बैलेंस दे दिया, वो कह रहा है कि कैश बुक को मैच कराओ पासबुक के साथ, यानी कि डिफरेंस जो आया 2000 रुपये का आ गया है, पासबुक में 2000 रुपये रिकॉर्ड नहीं है, और अब आपको कैश बुक को ठीक करना है, पासबुक जैसा बनाना है। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, अगर जो पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हो रखा तो हमें भी यहाँ से रिकॉर्ड हटाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे कैश बुक को किसके साथ मैच करना है, पासबुक के बैलेंस के साथ। तो आपने 2000 प्लस कर दिया, इन्होंने नहीं करा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2000 माइनस करना पड़ेगा अपनी बुक में, यानी कि मुझे माइनस साइड पर लिखना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा लेस करना पड़ेगा इसमें से, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, हमें 30,000 में से 2000 माइनस करना पड़ेगा तभी पासबुक जैसा बैलेंस बनेगा। समझ आ गई बात, इस तरीके से समझना होता है। आगे देखते हैं, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो ये रफ में आप ऐसे बना लेना कि एक तरफ लिखो कैश बुक, एक तरफ लिखो पासबुक, जिससे आपको साफ समझ में आ जाए क्या करना। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, जिसको कई बार पेमेंट देनी होती है ना, हम उसको चेक दे देते हैं, चेक ले दी, उसको लिख के दे दिया, जिस टाइम पे मैंने चेक लिख के दिया उसी टाइम मैं यहाँ पर कैश बुक में एंट्री कर देता हूँ, बैंक के कॉलम में कर देता हूँ, क्रेडिट साइड पे। आपने 3000 का चेक दिया तो मैंने तुरंत 3000 रुपये क्रेडिट साइड पे, यानी कि माइनस कर दिए बैंक के कॉलम में तुरंत, क्योंकि मुझे क्या पता वो बैंक में चेक कब लेके जाएगा, मुझे क्या पता। मैं जिस दिन चेक इशू करता हूँ किसी को पेमेंट के लिए उसी दिन कैश बुक में माइनस कर देता हूँ, यानी कि क्रेडिट साइड पर लिख देता हूँ उसी दिन, बट पेमेंट के लिए प्रेजेंट ही नहीं हुआ, मतलब बैंक में वो बंदा चेक ही नहीं लेके गया तो पासबुक में रिकॉर्ड हुआ ही नहीं वो एंट्री, क्योंकि बैंक में जब चेक आएगा तभी तो रिकॉर्ड होगा, बैंक में वो चेक गया ही नहीं तो आपके में बैंक के कॉलम में वो माइनस करे ही नहीं उन्होंने पासबुक में, आपको ये बात पता ही नहीं, और उसी टाइम आप बैंक रिकॉन्स्टिट्यूट बना रहे हो, उसी टाइम जिस टाइम में रिकॉर्ड नहीं हुआ उसी टाइम बना रहे हो बैंक स्टेटमेंट। अब मुझे क्या करना है, कैश बुक का बैलेंस दे रखा था, आपको कैश बुक को पासबुक के साथ मैच करा के दिखाना है। तो कैश बुक को अगर पासबुक मैच करा के दिखाना है तो मुझे जो यहाँ हो रखा है वही यहाँ करना होगा, तब मैच होगा। यानी कि अगर आपने यहाँ माइनस कर दिया और उन्होंने नहीं कर रखा तो आपको वापसी प्लस करना होगा ताकि जीरो आ जाए यहाँ पर, क्योंकि जो यहाँ हो रखा है वो यहाँ बनाना है। तो मुझे प्लस करना होगा 3000 रुपये, यानी कि प्लस साइड में लिखना पड़ेगा चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। समझिए, प्लस माइनस कैसे करना है, दूसरी बुक को देख के कि दूसरी बुक में क्या हो रखा है, दूसरी बुक का जो बैलेंस है वही बैलेंस यहाँ बनाना है, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा कि प्लस करना है या माइनस करना है। लास्ट देखते हैं, बैंक इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट
देखिए क्या होता है कि बैंक वाला आपके अकाउंट में ना इंटरेस्ट दे देता है, आपको पता होता है आपको सेविंग अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं तो सेविंग अकाउंट में आपको इंटरेस्ट मिलता रहता है। आपको ज़्यादातर इंटरेस्ट कब मिला आपको पता ही नहीं होता, मैसेज नहीं आता, डायरेक्ट सीधा अकाउंट में आपके पैसे बढ़ जाते हैं। वो तो जब आप पासबुक खोलोगे या फिर आप मोबाइल में एप्लीकेशन खोलोगे तब आपको समझ में आएगा ना कि इंटरेस्ट कितना मिला। तो ये भी एक ऐसी चीज़ है जो कि एक बंदे ने रिकॉर्ड करी है सिर्फ, आप किसी और ने नहीं करी। अब देखो ये समझना क्या होता है, कैश बुक और पासबुक, जब आपको इंटरेस्ट आपके अकाउंट में मिल गया तो ये किसने दिया इंटरेस्ट, मैंने अपने आप को दिया या बैंक वालों ने आपको दिया? बैंक वालों ने आपको दिया ना, तो बैंक में तो रिकॉर्ड हो गया होगा, यानी कि पासबुक में तो रिकॉर्ड हो गया होगा ये एंट्री। कितने की एंट्री थी? 400 रुपये की, यानी कि 400 रुपये आपके अकाउंट में प्लस कर दिए, तो पासबुक वालों ने करे ना, बैंक वालों ने करे, तो उसने तो बैंक वालों ने अपने बुक में रिकॉर्ड कर दिया एंट्री। हमने नहीं करी क्योंकि हमें पता ही नहीं होता बैंक में इंटरेस्ट मुझे मेरे अकाउंट में कम मिला, ठीक है ना। अब आप कहोगे मुझे तो पता होता है, भाई आप ज़्यादातर नहीं पता होता, जब आप जब तक आप अपने मोबाइल में एप्लीकेशन खोल के देखोगे या फिर जब तक आप पासबुक नहीं मंगाओगे, क्योंकि पहले एप्लीकेशन वाला सिस्टम नहीं था, पहले हम पासबुक बैंक से मंगाते थे तब हमें पता चलता था, या फिर पासबुक लेके जाते थे उसको कहते थे कि इसमें एंट्री चढ़ाओ इस महीने की, तब पता चलता था कि भाई मेरे अकाउंट में इंटरेस्ट कितना डला, तो हमें पता ही नहीं था। हमने अपने कैश बुक में रिकॉर्ड करे नहीं 400 रुपये, मुझे पता ही नहीं था, और उसी डेट में बना रहा था बैंक स्टेटमेंट। अब मुझे पासबुक का बैलेंस अपने कैश बुक में बनाना है, कैश बुक को पासबुक से मैच करना है। मैंने क्या बताया कि जो यहाँ हो रखा है वही यहाँ करना होगा, अगर यहाँ 400 रुपये प्लस है तो मुझे भी यहाँ पर 400 प्लस करने होंगे, तभी हमारा और इसका बैलेंस मैच होगा। तो मुझे क्या करना है, 400 रुपये अपनी कैश बुक प्लस करने, तो प्लस साइड में लिखूंगा बैंक इंटरेस्ट 400, समझ गए बात को, ऐसे देखना है। दूसरी बुक को देखना है, जो दूसरी बुक का बैलेंस हो ऐसे लिख के देख लेना, दूसरी बुक में जो बैलेंस होगा वो यहाँ बनाना है। अगर आपने प्लस कर दे तो यहाँ माइनस करना पड़ेगा अपनी बुक में, यहाँ माइनस कर दे वहाँ प्लस करना पड़ेगा, जो वहाँ हो रखा है बस वो चेक करना है। अब ये हो गया, अब आपको टोटल करना है बड़ी साइड का, टोटल करना है कितना आ रहा है भाई, 33,400, यही टोटल यहाँ आना चाहिए। 33,400 में 2,000 माइनस कर दो तो आपका आ गया बैलेंस 31,400, यानी कि अब आपका बैलेंस पासबुक में 31,400 ही था, अब आपका मैच हो चुका है। अब आपने कैश बुक का बैलेंस भी 31,400 बना दिया है और यही बैलेंस पासबुक में होगा, तो यहाँ लिखना है बैलेंस एज पर पासबुक आपका आ गया, ये बैलेंस पासबुक में ही था, इसका मतलब आपका पासबुक का बैलेंस कैश बुक वाला बन गया। देखो जो कैश बुक में डेबिट बैलेंस होता है वो पासबुक में उसे क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि जो पास बैंक वालों के लिए आप लायबिलिटी हो, तो बैंक वालों के लिए जो आप जैसे आपका बैलेंस डेबिट होता है ना, पासबुक के लिए क्रेडिट होता है, क्योंकि उनका जो बैंक का कॉलम क्रेडिट साइड से बढ़ता है, क्योंकि आप उनके लिए लायबिलिटी हो, लायबिलिटी बढ़ती है क्रेडिट साइड से। बट हम बैंक के लिए, मेरे लिए बैंक एसेट है तो मैं तो डेबिट साइड से बढ़ाता हूँ, बट उनके लिए मैं लायबिलिटी हूँ तो क्रेडिट साइड से, ध्यान रखना। तो ये ऐसे मैच करते हैं, देखो हमने जितना भी प्लस माइनस करा वो इस हिसाब से करा था कि ताकि बैंक कैश बुक का बैलेंस पासबुक जितना बन जाए और वो बना दिया। तो उम्मीद करता हूँ आज के बेसिक वीडियो आपको समझ में आया होगा, नेक्स्ट वीडियो चाहते हो आती रहेगी वैसे बैंक स्टेटमेंट की, वीडियो को बस आपको लाइक करते रहना और कमेंट जरूर करना, वीडियो हाजिर रहेगी। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।